है, वो लोग अगर नौकरी उकरी मिलेगा तो अच्छा होगा ना। अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आम आदमी के लिए जो सरकार काम करेगा वही सरकार रहेगा। कांग्रेस की जितना आदमी हो तो बीजेपी में आ रहे हैं, विपक्ष में कोई दम ही नहीं है। बेरोजगारी को देखते हुए बेरोजगारी कितना बढ़ गया है, इसके लिए चुनेंगे ऐसे पार्टी को। महंगाई नहीं बढ़ेगी, मजदूरों को उनका पैसा कैसे मिलेगा? लालसा नहीं देना चाहिए, वो तो अपना मत है, मेरे मन में तो कांग्रेस ही आए। युवा के लिए यही है कि बस मेहनत करो और कमाओ खाओ। 70 साल में जो हुआ नहीं वो 10 साल में हुआ है। कहते हैं कि अगर किसी इलाके का मिजाज जानना है तो वहाँ के मार्केट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तमाम वर्ग के लोग मिल जाते हैं, तमाम क्षेत्रों से लोग मिल जाते हैं, बाहरी लोग भी मिल जाते हैं। और इसीलिए दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट। नमस्कार, क्या बोले भारत में आपका स्वागत है। और क्या बोले भारत में हम आपको बताएंगे दिल्ली के मन की बात। और इसीलिए हम आए हैं सरोजनी नगर मार्केट में, क्योंकि ये यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, यहाँ पर जो घर में गृहिणियाँ भी आती हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, और यहाँ पर आते हैं देशी विदेशी पर्यटक भी। तो आइए जानते हैं क्या है दिल्ली के मन में। एक तरफ नो कॉम्पिटिशन, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट दें। विकास तो हो ही रहा है, उतना काम भी हो ही रहा है। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक नई दिल्ली देश की सबसे पुरानी लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर चुनावी समीकरणों की वजह से इस बार भी ये सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो ये भले ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टियों ने भी कई बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। 1951 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से सुचेता कृपलानी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जगमोहन जैसे नेता इस सीट से जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1952 में इस सीट से क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। ये पार्टी उन्होंने खुद बनाई थी, जबकि 1957 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट साल 2014 से भाजपा के पास है। आपको बता दें कि इससे पहले 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस के अजय माकन ने नई दिल्ली सीट से चुनाव जीता। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार आम आदमी पार्टी के पास नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 10 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के तहत दिल्ली के इस निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भाजपा और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली सीट में करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आर के पुरम और ग्रेटर कैलाश सहित 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंतर्गत 7 लोकसभा सीटें हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन सभी 7 सीटों पर कब्जा किया, इसीलिए अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या भाजपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। सरोजनी नगर मार्केट में आप जब आएंगे तो इस तरह की छोटी छोटी गलियां आपको देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत सारे जो वेंडर्स हैं इस तरह से, जो रोज़ अपनी यहां पर पटरी लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, या जिनकी दुकानें हैं वो यहां पर रहते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। आप क्या करते हैं? मैं टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर NDMC से भी हूँ और सरोजनी नगर मार्केट में पटरी पिछले 50 साल से लगा रहा हूँ। यहाँ पिछले 50 साल से लगा रहे हैं, 1978 से यहाँ पे पटरी लगा रहा हूँ। किस तरह के मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर जो पटरी वाले लोग हैं, जो यहाँ पर दैनिक विक्रेता हैं?
इस तरह के मुद्दे हैं कि यहाँ पर नई दिल्ली नगर पालिका लगातार यहाँ पर सामान अमान उठाती रहती है लोगों का, लोग जो लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके रखे उनको छोड़कर, बाकी जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं स्टे नहीं लेके आए तो वो लोगों को लगातार सामान उठाती रहती है। तो ये सब मुद्दे हैं कि इनको व्यवस्थित किया जाए। इस बार ये बताइए, इस बार की जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई है दिल्ली में, विशेषकर जिस सीट के अंतर्गत ये इलाका आता है, वहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं, किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं? संभावना तो ये है कि देखो बीजेपी ने काम तो खैर करती है, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे किए, लेकिन जो प्रशासनिक ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनकी तरफ अभी मोदी साहब का ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान जाए तो व्यवस्थित तरीके से लोग बैठ जाए, लोग आजीविका चलाने के लिए परेशानी है जो झेल रहे हैं उन सब समस्याओं से निवारण हो जाए। केजरीवाल साहब आदमी बुरे नहीं है, लेकिन अब केजरीवाल साहब अंदर है, दूसरी बात है केजरीवाल साहब ने वो रद्द कर दिया, ठीक है ना। तो अब केजरीवाल साहब जब भी क्षेत्र में दौरा नहीं करते ना, इस वजह से हम लोग गुहार किससे कहें, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मेरा नाम नवल यादव हुआ और मैं भी पथ विक्रेता हूँ, और ख़ास करके वेंडरों को बहुत बड़ा समस्या है। प्रधानमंत्री जी समय समय पर वेंडरों के लिए कहते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वेंडरों का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और 2018 में जो सर्वे हुई थी, सर्वे तो हो गई थी, लेकिन वो कैंसिल करने का कारण है कि 2014 जो स्कीम है वो 19 में लागू हुआ, तो उस अनुसार NDMC और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन नया सर्वे हमारा करने है, हमें व्यवस्थित करने रहे जी। हम इलेक्शन में वोट उसी के लिए करेंगे जो बेरोजगारी शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, वोट हम उसको करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी शिक्षा की बात तो सब करते हैं, तमाम जो दल हैं उनके अपने अपने दावे हैं, तो किस तरह से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उन दावों पर विश्वास किया जाए, कैसे करेंगे जी? देखा जाएगा, जनता समझदार है, और कौन काम कर रहा है शिक्षा पे, कौन काम कर रहा है व्यवस्था पे, स्वास्थ्य पे, तो जनता देख रही है, ना समझ नहीं है। मैं उमदा शर्मा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा जो बेंडर की समस्या है जुडिशियल कमेटी बैठाई जाए। आपने स्कीम बनाई थी जो टाउन बेंडिंग कमेटी, पूरे देश में सबको रोजगार मिले, आपने तो बड़ा अच्छा काम करा, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी कि इनको रोजगार देते, उन्होंने कुछ नहीं करा, इनके लिए जुडिशियल कमेटी बैठाई जाए, इनको रोजगार दिया जाए। तो यहाँ पर जो पथ विक्रेता हैं, जो डेली वेंडर्स हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, और अब चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, किसी दुकान के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जानते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं लोग। तो देश की राजधानी है दिल्ली, आकर्षण का केंद्र है दिल्ली, विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहती है दिल्ली, और भारत का दिल है दिल्ली। तो क्या है दिल्ली के दिल की बात, यही हम जानेंगे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे। और काफ़ी संख्या में ये जो यहाँ पर भीड़भाड़ दिखाई देती है, और हमेशा ही यहाँ पर इस तरह से भीड़भाड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग आते हैं यहाँ पर, ख़रीदारी करते हैं दैनिक ज़रूरत की चीज़ें भी, और अगर कोई विशेष अवसर होता है वो भी यहाँ पर लोग जो है ख़रीदारी के लिए आते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। तो हम ये देख के ही इस बार मत करेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। मैं यहीं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 30 साल से, रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप क्या करते हैं? मैं पथ विक्रेता हूँ। अच्छा, आप भी पथ विक्रेता हैं, तो आप बताइए किस तरह का मुद्दा आपके दिमाग में है, क्या कुछ आप चाहते हैं, कुछ काम हुआ है आपके लिए? हाँ, जो स्वनिधि योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी कोविड में, तो उसका हमें लाभ मिला है, और इस मार्केट में पिछले 20 सालों से कोई और विकास नहीं हुआ है। मैं महिलाओं के कई मुद्दे हैं, सबसे पहला तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ शराब नीति का था जो बंद हुआ और जिसकी सज़ा उन्हें अब मिली। ईडी के संबंधों की अनदेखी करने के बाद हाई कोर्ट से उनके अरेस्टिंग के ऑर्डर हुए और 6 दिन के रिमांड पे गए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। दूसरा हमारा रोज़गार का भी एक मुद्दा रहेगा। तो काफ़ी बड़ी ये मार्केट है, और इस वक्त धूप हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एक और शॉप के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके दिमाग में है, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, और किस तरह से देखते हैं यहाँ पर ये इस बार की चुनावी लड़ाई को। नमस्ते सर, क्या नाम, आपका नाम क्या है, और कब से आप यहाँ पर ये दुकान? 1948 से हम लोग यहाँ पर हैं। किस तरह के चेंजेस आपने देखे? चेंजेस तो बहुत हैं और आगे होने चाहिए, मोदी जी के आने चाहिए यहाँ पर, तो चेंजेस अपने और ज़्यादा होंगे। अच्छा। हमारी मार्केट और आगे बढ़ेगी। अच्छा, मोदी जी ही क्यों आने चाहिए? मोदी जी इसलिए आने चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे हैं और काम करते हैं, इसलिए वो आने चाहिए हमारे हिसाब से। तो इस बार का जो चुनावी लड़ाई आप यहाँ पर देख रहे हैं,
कांग्रेस और आप मिलकर लड़ रहे हैं, बीजेपी ने भी अपने जो फेस हैं उनमें चेंजेस किए हैं, किस तरह की है चुनावी लड़ाई? चुनावी लड़ाई में सिर्फ बीजेपी आगे है, बाकी सब तो पीछे ही हैं। किस तरह से? क्योंकि काम के हिसाब से, काम करते हैं मोदी जी, वो लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ वादे पूरे वादे ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। सिर्फ मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। देखिए मुद्दे तो अब मोदी जी के आगे तो कोई लगता नहीं, हमें ऐसे ही लगता है कि बस वही आएंगे सब जी के, और हमारे यहाँ भी यही है, मोदी जी आएंगे। मुद्दे तो देखिए वो तो विकास तो हो ही रहा है और इतना काम भी हो ही रहा है देश प्रदेश में, सब जगह ही हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना हो रहा हो। तो कम से कम आपको जो अलग अलग दल के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में मालूम है कि कौन कैंडिडेट कहाँ से है ना, तो उनमें आप कैंडिडेट्स का भी फेस देखते हैं या केवल इस बार मोदी जी का नाम देख रहे हैं? थोड़ा बहुत देखते हैं, अदरवाइज ज्यादातर मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी को ही देखते हैं, पीछे से देखते आ रहे हैं उनको, बस उनका कोई लगता ही नहीं है। ऐसा क्या काम उन्होंने किया है? देखिए सारे काम विकास तो हो ही रहा है और प्रशासन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ भी देखो ना मुख्यमंत्री कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब गुंडागर्दी भी खत्म हो रही है, चोरी चपट्टी भी खत्म हो रही है, और जितने डाकू लोग हैं वो भी तो उनका भी तो इलाज कर ही रहे हैं ना वो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, तभी तो विकास होगा। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से ख़रीदारी करने आए हैं, और यही इस तरह के मार्केट्स की खासियत होती है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और हमें जो विविधता मिल जाती है अलग अलग लोगों की, अलग अलग इलाके के लोगों के विचार जानने को हमें मिल जाते हैं। आप बताइए आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? हमारी रात को, दिन को 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसी सरकार इस बार आए? हमारे लिए तो मोदी जी अच्छा है। अच्छा। बस गांव में सुविधाएं मिल रही हैं, रोडें बन रही हैं, किसानों को पैसे डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं। हाँ। करप्शन नहीं है मेन बात उनके पास। बस ये लेकिन जो केजरीवाल को देख रहे हो, ये कितने करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं, आए थे ईमानदारी का ढोंग रच के, सब कुछ ले लिया, लाल बत्ती नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले लिया। ये करप्शन खत्म करने आए थे, खुद करप्शन के उसमें चार्ज में अंदर है, तो इसीलिए हमारे लिए मोदी। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि ये तो बीजेपी की राजनीति की वजह से हो रहा है। ये बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कोर्ट जो फैसला दे रही कोर्ट के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। ये तो पॉलिटिकल हैं सब, ये आपस में चलता रहता है इनका, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो कर रहा है कोर्ट कर रहा है, सीबीआई ईडी जो कर रहा है सीबीआई ईडी कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है हमारे हिसाब से मोदी। अब मुझे लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है सर्वाइव करना। अभी जैसे स्कूल वगैरह की फ़ी भी और सब मनमानी बहुत चलती है स्कूल में, तो हम लोगों की तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चे का मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, तो फिर उसमें वो चीज़ें हो जाती है कि मतलब स्कूल अपने हिसाब से मनमानियाँ करते हैं फिर, और हम लोग तो मजबूर हो जाते हैं, तो मतलब जो बोलते हैं वो मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा वो है कि मतलब सरकार इस पर ध्यान दे कि मतलब ऐसा ना हो। जो अभी तक जो हम दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें डेवलप हुई हैं, बहुत चीज़ें बेटर भी हुई हैं और आगे भी होती रहें, तो हमारा तो कहते हैं ना उसी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा जो कंटिन्यूस कहते हैं ना हमारी जनता की पूरी बातें सुने और इंडिया दिल्ली ऑल स्टेट्स को एक बेटर यू नो बेटर कंट्री बेटर स्टेट बेटर प्लेस बनाया। यहाँ के हिसाब से तो ठीक है, पर यही है कि जो गरीबों की मदद कर सके, गरीबों के लिए कर सके, सबसे बेस्ट नेता मंत्री वही है। अच्छा। मैं हम चाहते हैं कि मतलब सस्ताई हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, गरीब भी अपनी ज़िंदगी जी सके। अच्छा। उनके हिसाब से गरीबी हटनी चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, रास्ते में खुल के चल सके, घूम सके, रह सके, इस टाइप का होना चाहिए। जो विकास करेगा वही जीतेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो पिछले 50 सालों में काम नहीं हुआ उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया। तो विकास की बात तो सभी करते हैं, हम विकास करेंगे, आप किस तरह से उनका चुनाव करेंगे? नहीं विकास की बात करते करते नहीं ना, भ्रष्टाचार नहीं होता था, आप कितना भ्रष्टाचार होता था, आप सब अंदर जा रहे हैं फटाफट, आ रहे जा रहे हैं। अगर ये जो एक के साथ एक शराब फ्री दीदी केजरीवाल जी ने अगर नहीं किया होता तो अंदर जाते, अगर सच्चाई थी 9 बार शम बनाया, इनको जाना चाहिए ना पूछताछ के लिए ईडी के पास, नहीं गए ना, तो न्यायालय से बड़ा तो कोई है नहीं। हालांकि दिल्ली की जो चुनावी लड़ाई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार, लेकिन कुछ लोग एक तरफा लड़ाई की भी बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए आप क्या करते हैं? एक तरफा नो कंपटीशन, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए पिछले 10 सालों में, बहुत आगे चले गए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए।
बीजेपी ने भी काफी चेहरे बदले हैं। नहीं, जो एक ही चेहरा है वो एक ही, अब की बात आएंगे मोदी जी बस। मोदी जी ने जो अपनी गुडविल बनाई है और जो पब्लिसिटी जो उन्होंने वन मैन शो वाली बनाई है, प्रैक्टिकल बात तो यही है, उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और है ही नहीं, सिर्फ वही हैं। और उन्होंने जो जिस हिसाब से अपोजिशन को साफ करा है तो वो अपोजिशन के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब है लोकतंत्र है, देखते हैं वो जो उनकी अपोजिशन पार्टियाँ हैं उसको किस लिहाज से करती हैं। लेकिन सब कुछ तो खुला हुआ है, लेकिन कोई जबान से बोलना नहीं चाहता है, ये तो हर कोई जानता है क्या क्या हो रहा है और क्या क्या मीडिया में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। हमारा नाम मोहम्मद हारिस है, हम कानपुर से आए हैं, और आपका जो हमारे जो यहाँ का मेन जो हमारा स्टेट है, चाहे वो कानपुर हो चाहे दिल्ली हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलप करा है। बाहर से लोग आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप मिलती दिखती हैं। आप बताइए आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए कि वेस्ट बंगाल तो काफ़ी चर्चा में इस बार रहा है। हाँ हाँ, वो काफ़ी पहले से, इनफैक्ट जब से अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट आई है तो उनकी पॉलिसीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल रही है टू सम एक्सटेंट, और वो एक बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से पर्सनली जो मुझे लगता है वो एक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कर रही है कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा ये किया जा रहा है वहाँ पर, जो अभी प्रेजेंट TMC गवर्नमेंट है वैसे तो। अब देखते हैं, लेट्स होप फॉर अ चेंज, पता नहीं कैसे क्या होगा इन द अपकमिंग ईयर्स, बट आई पर्सनली थिंक कि वी डू नीड अ ग्रेजुअल चेंज आई गेस इन पॉलिटिक्स। तो ये किसी के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, अगर आप एक जमे हुए रहते हो ना बेसिकली कहीं भी, तो एक आप डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ आप ये एटीट्यूड डेवलप करते हो। मैं एक सिख होने के नाते कि जो देखा जाए तो जो 500 साल जैसे पूरे एक मतलब कहते हैं कई जनरेशन जो राम मंदिर के लिए हमारा जो शुरुआत हुई थी, पहली जो FIR लॉज हुई थी हमारे निहंग सिखों के ऊपर हुई थी, तो गुरबाणी में भी अपना राम का कई बार नाम लिया गया है। तो राम तो एक भगवान थे हृदय के सब हिंदुस्तान के सनातन धर्म के जिसे कह लीजिए। तो जो मोदी सरकार ने किया है, जो कई चीज़ें नहीं हो रही थी उसको एक क्लियर उन्होंने एक सिचुएशन में ला के पहुँचाया है, जैसे कश्मीर का मुद्दा था 370 का, वो मुद्दा उन्होंने किया, और हर चीज़ में डेवलपमेंट ही हुई है। एक एशिया वर्ल्ड में नाम है हिंदुस्तान का, जो उन्होंने जहाँ जिस मुकाम पे वो लेके आए हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश है, नौकरी पेशा भी खुश है, लोअर तबका भी खुश है। देश को संभालने में भी नेता तो होते ही हैं, जो वोटर्स होते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वोट डालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और एक वोटर की कितनी बड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझती हैं कि अगर देश संभालना है तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है? हाँ, वोटिंग ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, आधे लोग वोट ही नहीं करते तो उनके, अब वोट ही नहीं करेंगे तो फिर अगर आधी पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कौन होगा तो फिर ऑब्वियसली आंसर जो आता है वो फेयर नहीं होता। क्या लग रहा है, सभी पार्टीज ने अपनी रणनीति बनाई है, क्या बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आ? BJP ही है, बिकॉज कंटेंडर्स वाइज दैट्स द बेस्ट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड एंड एवरीबडी नोज दैट, मतलब इट्स कॉमन बिलीफ। एंडलेस जो लॉयलिस्ट अपनी पार्टी को लेके हैं, मतलब देयर वाज अ टाइम वी वर आल्सो मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कांग्रेस बिकॉज देव बीन नोन टू बी मोर काइंडर टू द बिजनेस मैन, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफकोर्स कंट्री इज मेड सम प्रोग्रेस अंडर BJP एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड। बट क्या देखकर वोट करोगे? मोदी जी को काफ़ी डेवलपमेंट किया है इंडिया का, इसलिए, और काफ़ी नई चीज़ें लाते हैं, जैसे पहला GST अहमदाबाद से आए हम लोग, हाँ, शॉपिंग करने के लिए आए थे स्पेशली यहाँ पे। हिंदुत्व को लेकर वो आगे आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक सिर्फ पर्सनली ही नहीं, वो पूरे एक समाज को लेकर आगे चलते हैं। सारे ही जो मुद्दे उन्होंने आगे रखे थे, मैं जितना देख पाती हूँ तो उन सारे ही मुद्दों पर उन्होंने कहीं ना कहीं बात करी है। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी तरीके से उन्होंने भी उसी तरीके से अपना रोल निभाया है। तो देश के सभी हिस्सों की राय जो है हमें इस मार्केट में मिल गई है। आप ये बताइए, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की आप बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देखेंगे? मैम देखिए ना, आप हम किसी, अगर कहीं हम शादी ब्याह करते हैं, अपने बच्चों के लिए देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उस घर का बड़ा कौन है, है ना? तो हम जहाँ का बड़ा सही होगा तो बच्चों को अपने आप ही कहीं ना कहीं संस्कार मिलते हैं। तो बस हमारा पूरा ध्येय यही है कि उन्होंने एक तरीके का हमको विज़न दिया है, एक नई सोच दी है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है और किस तरीके से किया जा सकता था। सही, चुनाव आ रहे हैं इस बार, क्या चाहती हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए?
अभी सोच रहे हैं कि बढ़िया ही सरकार आना चाहिए। हाँ। थोड़ा पटरी के लिए सहायता करना चाहिए, पटरी वालों के लिए काम करें। हाँ बस रोजगार आपका बढ़े। हाँ बढ़े बस। तो दिल्ली है दिलवालों की और दिलवालों की शान दिखाई देती है यहाँ के खान पान में भी, और जब हम मार्केट में आते हैं और चाट के स्टॉल पर आते हैं तो काफ़ी भीड़भाड़ दिखाई दे जाती है। और हो भी क्यों ना, थकावट के बाद अपने आप को री एनर्जाइज करने का ये भी एक तरीका होता है। आप बताइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप गोलगप्पे खा रही हैं, शौकीन है गोलगप्पे? हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत शौकीन हूँ गोलगप्पे की। चाट की दुकान है, आप चुन के खाती हैं या कहीं से भी खा लेती हैं? नहीं नहीं, मैं यहीं से खाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यहीं से। अभी चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र के उत्सव का भी चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से आप अपना नेता चुनेंगे? मैम, जो अच्छा काम करे और जो महिलाओं के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, मैं वो नेता चुनूंगी। चुनाव कितना मुश्किल भी है क्योंकि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी है, तो दिल्ली में ये चुनाव कितना मुश्किल हो जाता है? दिल्ली में मैम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जनता जो है आम आदमी पार्टी को देती है वोट। किस वजह से? आम आदमी पार्टी ज़्यादा काम करती है महिलाओं के लिए और दिल्ली के लिए, इसलिए मैं आम आदमी को सपोर्ट करती हूँ। और कांग्रेस? नो मैम, नहीं नहीं, कांग्रेस नहीं चाहिए। वोट कैसे डालेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे। अच्छे काम में क्या आता है, क्या अच्छा काम होना चाहिए? रोजगार दे, शिक्षा दे। मेरा मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को लेकर ही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल गिव वोट टू द मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलसेल्फ, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी अदर पार्टी डिजर्व टू गेट अ वोट, स्पेशली आई थिंक राहुल गांधी को तो कोई ना देता है। अगर क्या वजह भविष्य चाहिए तो राहुल गांधी को ना वोट करे। मैडम जी, हमारे तो राष्ट्र प्रथम है, पहले हम राष्ट्र के साथ, जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी का तो पता ही है आपको, दिल्ली में क्या हो रहा है, अंदर पड़े हैं। तो मोदी जी ठीक हैं, देश के लिए भी और अपने लोगों के लिए। 140 करोड़ की जनता, वो खुद कहते हैं मेरा परिवार है ये। लालू जी कहते थे इसका परिवार कौन सा है, और उन्होंने कह दिया ना जवाब दे के, 140 करोड़ का परिवार है मेरा, इससे बड़ी बात क्या होती है। पूरे इंडिया से बाहर जहाँ भी जाते हैं नाम ही नाम होता जा रहा है हमारे देश का। मोदी जी का तो है ही है और सबसे लोकप्रिय यही है। आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले कर दिए है, ठीक है कुछ चीज़ें फ्री दे देती है लेकिन वो सारा वसूल तो हमसे ही कर रही है, जनता का ही तो पैसा लेकर के जनता पे तुम वो कर रहे हो, उसका फायदा क्या है? अपने घर बनाने में इतना पैसा लगा दिया, किसका लगाया? जनता का ही तो लगाया है। सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार मोदी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने तो वो काम करके दिखा दिए जो किसी ने नहीं कर दिखाए, जो कोई नहीं कर सकता था वो कर दिया मोदी ने। मोदी ही रहना चाहिए हमेशा। नौकरी तो दे मोदी, हम तो परेशान होते घूम रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा? हस्बैंड भी नहीं है, है? मुझे तो दे दे कम से कम, हम जैसे लोगों को तो दे। तो इस बार आप वोट किस तरह के कैंडिडेट को देंगे? भाई मुझे तो जो सरकारी नौकरी देगा उसी को दे दूंगी वोट, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, बस किसी के भरोसे ना रहे। तो जितना दिलचस्प दिल्ली का इस बार का चुनाव है, उतने ही दिलचस्प यहाँ के मुद्दे भी हैं। चुनावी लड़ाई हम बता दें यहाँ पर क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगातार दो बार से बीजेपी जो है वो सभी सीटों पर कब्जा यहाँ पर किए हुए है। उससे पहले कांग्रेस का सभी सीटों पर यहाँ पर कब्जा था। आप और कांग्रेस पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उनका तय हो चुका है और बीजेपी ने भी इस चुनावी रण में अपनी रणनीति बदली है, बहुत सारे चेहरे बदले हैं। तो विभिन्न दलों की रणनीति है, जनता के मुद्दे हैं, बाजी कौन मारता है ये देखने वाली बात है, लेकिन लोकतंत्र के अधिकार के प्रति सभी जागरूक हैं, ये सबसे अच्छी बात यहाँ से निकल कर आई है, और केवल दिल्ली के लिए नहीं देश भर के विभिन्न हिस्सों से। तो क्या बोले भारत में, दिल्ली के सरोजनी नगर से आज बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी गौरव को दीजिए अनुमति, नमस्कार। चुनाव का मौसम, सियासत।